हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। तो गाइज, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और गाइज, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं लगातार कि बैंक बीसी अप्रूव नहीं हुआ है, एक साल हो गया। जबकि बैंक बीसी अप्रूवल का टाइम होता है 3 महीने या मैक्सिमम 6 महीने, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन लोग के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास एक साल से ऊपर हो गया, लेकिन उनका बैंक बीसी स्टेटस जो है वो यही दिखा रहा है कि स्टेट टीम के पास अप्रूव हो गया, उसके आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, ना कोई कुछ हो रहा है। तो कैसे करेंगे गाइज, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। बने वीडियो के साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और अगर चैनल पर ना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइज, अब आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, फाइनली मैं आपको बता दूं, अगर आपने बैंक बीसी का रजिस्ट्रेशन किया था तो बैंक बीसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं उस पोर्टल पर जाकर। इसके बाद गाइज क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट बैंक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाता है। जब आपका बैंक बीसी का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, इसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो भी आपके एरिया का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है उसके पास डॉक्यूमेंट्स आपका पहुंचता है। आपके पास जब देखो, लोग क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जो अप्रूव करा लेते हैं, नॉर्मल बात है, कोई भी अप्रूव करा सकता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के अप्रूव होने के बाद भी लोग बोलते हैं कि स्टेट टीम से भी टाइम लगेगा, लेकिन स्टेट टीम से भी टाइम नहीं लगता, 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर अप्रूव हो जाता है। जिन लोगों का अभी भी इससे भी अप्रूव नहीं हुआ, उनको भी मैं बताऊंगा कि कैसे अप्रूव करा सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अप्रूव होगा आप। तो गाइस, अगर आप इसमें करते हैं रजिस्ट्रेशन तो आपको स्टेट टीम से भी अप्रूवल हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी अप्रूवल हो जाता है। इसके बाद जो भी मेरे पास आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर अब तो एक साल के ऊपर हो गया, आपने बोला था 3 महीने, तो गाइस मेरे ऊपर तो इसके ऊपर कुछ है नहीं, वो तो बैंक के ऊपर है। तो मैं आपको बताऊँ कि आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे करा सकते हैं, आपके पास क्या मतलब ऑप्शन है, आप कैसे BCID ले सकते हैं। लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि BCID सर लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे पास UCL मुझे लेना है, इसलिए मैं BCID की इंपॉर्टेंट पढ़ रही है। तो अगर आपने CSC के थ्रू बैंक BC का रजिस्ट्रेशन किया था, अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ है, तो गाइज मैं आपको बताऊं कि आपको अब सिंपली अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टेक्ट कर लेना है एक बार। क्योंकि मेरे इधर का एक लड़का है, मेरा फ्रेंड ही है, उसने ऐसा ही किया, उसने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टेक्ट किया, उसको BCID नहीं मिल रहा था, हालांकि उसका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने अप्रूव कर दिया था, स्टेट लेवल से भी अप्रूव हो गया था, जैसा कि आप सभी लोगों का हो गया है। इसके बाद बैंक से अप्रूवल नहीं हो रहा था, बैंक से उसने कांटेक्ट भी किया, स्टेट टीम से भी कांटेक्ट किया, सभी कुछ हुआ, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जो भी हुआ, उसने अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट किया, उसके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने उसकी आईडी अप्रूव करवा दी। और गाइस, मैं आपको कुछ अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड में कुछ कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि बैंक बीसी जो है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अप्रूव कराने का क्या कोई चार्ज लेगा। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, कोई चार्ज नहीं लेगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कोई भी चार्ज नहीं लेता है बैंक से। जो भी CSC का काम है, बैंक BCID लेना, उसमें कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेता। अगर आपसे कोई चार्ज मांग के ID दे रहा है तो हाँ, वो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी से दे सकता है, लेकिन जो भी है कि अगर आप इससे अप्रूव करवाना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, तो आपको चार्ज नहीं लगेगा, आप ऐसे अप्रूव करवा सकते हैं। बस आपकी थोड़ी जान पहचान होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ में, इसके बाद आप अपनी ID अप्रूव करवा सकते हैं। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो गाइस मैं आपको बताऊं कि आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। उसका बाकायदा मैंने एक पूरा वीडियो बताया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की कैसे कंप्लेंट करते हैं। आई बटन में चले जाइएगा, उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, पूरी आपका सलूशन प्रोवाइड हो जाएगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपसे पैसे मांग रहा है, ठीक है। आप वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो बनाया है, वीडियो में जो तरीका बताया उसको फॉलो करिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए जेन्युइन अपडेट्स देने के लिए, तो यार इतना तो थोड़ा तो सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो मैं अब आपको बता दूं कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी अप्रूव नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम है, तो वीडियो देख लेना, कंप्लेंट पूरी रजिस्टर्ड करवा देना, सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा पूरा। इसके बाद गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से बीएलई का मेरे पास ये भी कमेंट आया है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही नहीं अप्रूव कर रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भाई ऐसे थोड़ी ना अप्रूव करेगा, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अप्रूव कर देगा, कभी नहीं होगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास कॉन्टैक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर निकालना, आपके पास नंबर होगा, अगर नहीं है नंबर तो नंबर निकालने का भी वीडियो बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो वॉच करिएगा उस चीज़ का। और इसके बाद नंबर निकाल कर उनसे बात करिए कि सर मेरा एप्लीकेशन जो है अप्रूव नहीं हुआ, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है बैंक बीसी का, तो आपसे आपका जो भी CSC ID पूछेंगे, आपका रेफरेंस नंबर आपसे व्हाट्सएप पे मंगाएंगे, आपका नंबर और नेम मंगाएंगे, इसके बाद आपकी इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगा। ऐसे ही अप्रूव होता है भाई, लोगों के कॉमेंट आ रहे कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया लेकिन 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अप्रूव नहीं हुआ। नहीं अप्रूव होगा जब तक क्या बैंक बीसी जो है कि स्टेट
देखिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास भी बहुत काम होता है, तो इसलिए वो इतना फॉर्म नहीं देख पाते हैं, इसलिए आपको कांटेक्ट करके उनसे अप्रूव करवा लेना होता है। तो जाइए उनसे अप्रूव करवा लीजिए, और अगर आपका बैंक किसी बैंक से नहीं अप्रूव हुआ है तो आप थर्ड पार्टी के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके लोग बोलते हैं कि आईडी बंद हो जाएगी, तो आईडी बंद नहीं होता है, आईडी चलता रहता है, बस ये होता है कि वो बैंक की तरफ से होता है, तो उसमें आपसे चार्ज नहीं लेता है, इसमें आपसे चार्ज पड़ जाता है, बस इतना होता है, और सेम सब कुछ वही होता है। लेकिन ये जान लें कि जेनुअन है या फेक है, इस चीज़ को पहले समझ लीजिएगा। इसके भी वीडियो मैं बना दूंगा कि जेनुअन फेक कैसे है, तो चैनल सब्सक्राइब करना, उसकी भी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो गाइज आप अप्रूव करवा सकते हैं, अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ, आप यूसीएल का काम लेना चाहते हैं, तो आप मेरे थ्रू जो है यूसीएल का जो भी मतलब वर्क है उसके में ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप पे, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे कॉन्टैक्ट करके मैं आपको पूरा जो भी डेमो है वगैरह वो दिखा दूंगा, ग्रुप है पूरा, उसमें लोग जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से वर्क होता है इसका, और मेरे साथ जुड़ के वर्क करेंगे, 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम होगी आपको एनी डेस्क पर लाइव लेकर जो भी उसकी सोल्यूशन का प्रोवाइड किया जाएगा, और वीडियो पर भी आपकी प्रॉब्लम शेयर की जाएगी ताकि और लोग भी इस चीज़ को जान सकें। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे, अब आप मेरे पास मैसेजेस करते हो कि नहीं अप्रूव हुआ, तो भाई अप्रूव नहीं हुआ तो बैंक के ऊपर है, बैंक नहीं अप्रूव कर रहा तो भाई किसी के ऊपर नहीं, बैंक नहीं अप्रूव कर सकता, ऐसे आप थर्ड पार्टी के थ्रू लेकर जो है आप मेरे थ्रू भी ले सकते हैं, कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और गाइज जो भी है बैंक ऑफ बड़ौदा का ले सकते हैं, एक्सिस बैंक का, और आईसीआई बैंक का, एचडीएफसी बैंक का, इतनी बैंकों का आप मेरे थ्रू भी ले सकते हैं बीसी पॉइंट्स, बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, 24/7 का सपोर्ट मिलेगा, ग्रुप है व्हाट्सएप, उस पर ऐड हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम हो आप मैसेज करिएगा, तुरंत इंस्टेंट आपको उसका जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, आप मुझसे टोटल बात कर सकते हैं ऑनलाइन, जो भी है एनी डेस्क पर लेकर आपका प्रॉब्लम पूरा सोल्यूशन स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो जाइए ईमेल पर मैसेज करिए, आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा, ज़्यादा चार्जेबल चार्जेबल सर्विस है, लेकिन ज़्यादा चार्ज भी नहीं, नॉर्मल चार्ज है, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा मेरा, और गाइस जो भी एनी डेस्क पर जो भी प्रॉब्लम होगी लाइव आपकी सॉल्व कराई जाएगी, मेरे थ्रू जुड़कर कमाइएगा। अगर आप सोच विचार में पड़े रहे हैं कि कराएं या ना कराएं, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, तो भाई मैं आपसे बता दूं, अगर आप फ्रॉड के बारे में सोच रहे हैं तो दूर रहिएगा मेरे वीडियो से, दूर रहिएगा, इस वीडियो को अभी स्किप कर दीजिएगा, फ्रॉड होता है लेकिन हर जगह फ्रॉड नहीं होता भाई, पूरा यार चैनल लेकर बैठा हूँ, ऐसे थोड़ी ना फ्रॉड हो जाएगा, अगर आना चाहते हैं तो आ जाइएगा, आपकी इच्छा है, और लोग ग्रुप में जुड़े वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं बताऊँ कि बैंक वीसी अप्रूवल के लिए सबसे पहले अब आप बैंक जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ही कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, अगर वो नहीं सुनते हैं आप, वो बताते हैं कि नहीं प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है, तो गाइज मैं आपको बता दूँ आप मेरे थ्रू ले सकते हैं, आइएगा, आपका जो भी है पूरा प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रोवाइड मिलेगा, ईमेल कर दीजिए मुझे, अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए जाएंगे ईमेल पर, व्हाट्सअप नंबर मेरा मिल जाएगा, आप उससे कॉन्टैक्ट करके आपको सारी सोल्यूशन पहले आप जानकारी ले लेना, इसके बाद आप जो है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो गाइज तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और बैंक वीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो इंस्टाग्राम पर मुझसे लाइव पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल पर जाइए मुझे, और वहाँ पर उस पेज बना हुआ है पूरा, उसको भी लाइक कर देना और फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अपडेट हो सबसे पहले वहीं पर मैं उसकी नोटिफिकेशन डालता हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना गाइस, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बैंक वीसी से रिलेटेड अभी कोई भी डाउट्स नहीं रह गए होंगे, और कोई भी डाउट्स हैं तो मेरे वीडियो बनाई हुई है प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, चैनल पर ना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।